ट्रक अनलोड करने, अगर अभी अभी चले गए तो ये कट्टे घटा देंगे हमारे, फिर कटेंगे हमारे पैसे। हम करो दोस्तों टायर चेक करो, टायर में कुछ फर्क दिख रहा है? ये देखो उबड़ खाबड़ दिख रहे होंगे टायर, ये बैलेंस राड के चक्कर में भी हो सकता है दोस्तों, और ये थोड़ी लाइन आउट होगी इसके चक्कर में भी। घुसा दिया भाई ट्रक, देखो ना वहाँ कितनी खतरनाक जगह लग रही है यार दोस्तों, देखो ना देखो वहाँ कितनी कितनी बच के आई है, देखो टायर के निशान देखो। Hey guys, welcome back to my new blog, सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। अभी आपका भाई दोस्तों कहाँ पहुँच गया, अभी आपका भाई फारबिसगंज पहुँच गया था, रात को 10 बजे पहुँच गया था मैं, रात के 10 बजे पहुँचा, खाना पीना खा के 11:30 बजे तक यार इसको फ़ोन मिलाता रहा मैं पार्टी वाले को कि भाई कैसे कैसे करना, इसने कुछ बताया नहीं। फिर हम 11:30 बजे फारबिसगंज में साइड में लगा के सो गए, साइड में लगा के सोने के बाद वहाँ एक चौकीदार था, हमने उसको एडवांस 50 रुपये दे दिए कि हमारी गाड़ी की सेफ्टी के लिए, क्योंकि माल है इसमें सेफ्टी करेंगे तो भाई पैसे देने पड़ेंगे। फिर उनको पैसे दिए, फिर उसने भाई ने मेरे को सुबह 5 बजे उठा दिया था, 5 बजे उठाने के बाद उसने बोला कि भाई मैं गाड़ी लेके चलूँगा गोडाउन में, मेरे को पता है गोडाउन, पर हमने फिर भी गोडाउन नहीं लेके आया क्योंकि भाई हमें पहले पार्टी वाले से बात करनी थी, क्योंकि हमारा माल ना शायद आधा आधा खाली हो इसलिए। तो पार्टी वाले ने बोला कि चलो गोडाउन में, जैसे कि दिवाली का टाइम है, सबको पहले पहले प्यारी सी दिवाली की शुभकामनाएं, सब बहुत सेफ्टी से दिवाली मनाएं और खूब पटाखे फोड़े भाई, पूरा रामनवमी है, जैसे कि भाई हमारे राम जी आए थे अयोध्या 14 साल का वनवास काट के, तो समझते हो, तो उसके लिए पूरे धमाल करना है भाई, पूरी जितना भी हो सके उतना धमाल करना है बट सेफ्टी से। तो भाई जैसे कि फिर हम आ गए थे चौकीदार को, चौकीदार हमको लेके आया, फिर सुबह 7 बजे मेरे पार्टी वाले का फ़ोन आया था, उसने कहा कि भाई मैं मारुति सुजुकी शोरूम के पास आ जाओ, तो आए, आके गाड़ी अब लगा दी है बिल्कुल गोडाउन, ये गोडाउन है, गोडाउन में गाड़ी लगाने के बाद अभी लड़का तो सो रहा है क्योंकि भाई वो सुबह उठ गया था, तो मैं नहीं उठा था, तो ये सीन रहा था। और ये देखो ना मेरी गाड़ी के ना जो डस्ट, टायर देख लो पहले, टायर कितने गलत खा रही है, ये टायर दिखाने थे मैंने आपको, ये देखो पीछे से भी दिखाता हूँ, पहले मैं ट्रॉली दिखाता हूँ, ये देख रहे हो दोस्तों ट्रॉली का जो मैंने रास्ता, हमने ट्रॉली का रास्ता तिरपाल कराया ना, बिल्कुल लास्ट में बत्ता नहीं लगाया, क्यों अब क्यों नहीं लगाया, एक इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर बारिश वैसे सर्दियां चल रही है, बारिश की कोई स्थिति नहीं रहती, पर बारिश पड़ जाती है तो उसके लिए ना, फिर हमने ये जो बत्ता है बत्ता हटा दिया था और यहाँ लगा दिया बेल्ट, और बेल्ट लगा के फिर सीधा रस्सा मार दिया जिससे कि पानी भी रुके तो सीधा पीछे को निकल जाए। और ये देख रहे हो हमारी ट्रॉली, ये 2.5 फुट की है पूरी, और लंबाई ये होगी 34 फुट की ट्रॉली है लंबाई में। और टायर दिखाता हूँ मैं आपको, टायर कितने गलत खा रही है मेरी गाड़ी, अब चेक करो दोस्तों टायर चेक करो, टायर में कुछ फर्क दिख रहा है? ये देखो उबड़ खाबड़ दिख रहे होंगे टायर, ये देखो अब ये दोस्तों पता क्यों खा रही है गलत यार, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्यों खा रही है गलत, शायद ये पीछे थे मेरे को लग रहा है, ट्रॉली में टायर थे और ट्रॉली के निकालने हैं, ये ट्रॉली के निकाल के आगे डाल दिए क्योंकि ये गलत खा रही थी, और ट्रॉली के इधर क्यों डालने हैं जिससे कि ये टायर ना एकदम एडजस्ट हो जाए टायर। पर ये टायर भी दोस्तों पता क्यों खाते हैं कोई कोई ना, ये जो टायर बनते हैं इसकी ना रबड़ खराब चढ़ जाती है, बस ये है, ये खराब रबड़ से बन जाते हैं, तो थोड़ा गुटके वुटके साइड मार देते हैं, तो एक बार टायर गलत खाती है ना गाड़ी तो फिर सारे रास्ते गलत ही खाती है। आ जाओ बाहर से दिखाता हूँ आपको, अभी ये टायर भी दोस्तों गलत ही खा रही है गाड़ी, ये बैलेंस रॉड चेक करते हैं, मेरे बैलेंस राड भी टाइट होएंगी मेरे हिसाब से, ये बैलेंस राड के चक्कर में भी हो सकता है दोस्तों, और ये थोड़ी लाइन आउट होगी इसके चक्कर में भी, लाइन मिलवानी पड़ेगी भाई, एक थोड़ा टाइम चलने दो मेरे ट्रक को, 2-3 महीने, 1 महीने या 1.5 महीने में पता लगेगा टायर कैसे खा रही है गाड़ी, क्योंकि अपने आप चलाएंगे ना तब पता लगेगा। अभी मुझे लग रहा है ये वो जो जोड़ा था ना दोस्तों, वो जो वाला जोड़ा था यहाँ डाल दिया गया है, और यहाँ वाला जोड़ा वहाँ डाल दिया गया है, तो उस करके मेरे को लग रहा है कि वो गलत खा रही थी, अब ठीक खाने के लिए उसको डाल रहा है, पर देखते हैं। अभी तो दोस्तों हमारा ट्रक भी अनलोड होगा, अभी देखते हैं कितनी देर में होगा अनलोड, अभी हमें बाहर भी जाएंगे दोस्तों शॉपिंग करने, क्योंकि हमें कैंडल लेनी है और धूपबत्ती लेनी है, थोड़े बहुत दिए लेंगे क्योंकि कल को अपना ट्रक खड़ा रखेंगे, क्योंकि कल को है बड़ी दिवाली, अगर माल हो गया तो लोड कर लेंगे, नहीं हुआ तो भैया खड़ा रहेगा फिर ट्रक, फिर अपना पूजा पाठ करेंगे कल को, देखते हैं कल को क्या स्थिति रहती है। और ये बकरी होगा ना, जब भी दोस्तों गोडाउन में खड़े रहो बकरियों का ज़्यादा ध्यान रखो, आपके टायरों के नीचे घुस जाती हैं, ये टायरों के नीचे घुस जाती हैं तो फिर लफड़ा करते हैं। और ये देखो हमारे टायरों के बीच में काला काला निशान भी आ रहा है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको आज ट्रक के अंदर चलता है। और जब भी दोस्तों आप गोडाउन में खड़े रहो ना तो बकरियाँ पक्का चेक कर लो, क्योंकि भाई एक बकरी अगर
हो गया ना तो कम से कम 4-5 बकरियों के पैसे ले लेंगे, बहुत तेज होते हैं। और ये नहीं छोड़ते भाई बिल्कुल भी, कोई गोडाउन वाला आप पे रहम नहीं करेगा। और भाई दूसरी बात थी कि भाई वो जो टायर में लग रहा था ना दोस्तों, एक ना गाड़ी में ज़्यादा और लोड हो गया, 40 टन की गाड़ी हो गई। पहले तो गाड़ी हमारी 33 टन में चलती थी तो टायर खुल के चलते थे, अब पूरे दबके चलते तो चिपक जाते हैं। अब इसमें प्लेट भी डाल सकते हैं बट प्लेट डालना सही नहीं रहता, कुछ कुछ प्लेट डाल देते हैं और हम प्लेट नहीं डालते क्योंकि प्लेट भी यार नुकसान मारती है फिर टायर को। तो अभी देखते हैं कितने देर में हमारा ट्रक लगता है, अभी तो बहुत सारी गाड़ियाँ अनलोड कर रहे हैं और ये भी सो रहा है, देखते हैं कितनी देर में अनलोडिंग पे लगता है अपना ट्रक। और भाई निकल गए हैं दोस्तों, गाड़ी तो अभी लोड नहीं कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि भाई खाना खाने के बाद करेंगे 2 बजे के बाद। अभी जा रहे हैं दोस्तों बाहर बाजार में, कुछ नाश्ता पानी करके आएंगे। बढ़िया टाइम हो गया दोस्तों, एक और आपका भाई आया दोस्तों बाहर खाना खाने, अभी अनलोड नहीं हो रही है गाड़ी। अरे देख लो भाई हमारा खाने में क्या गया, छोले भटूरे। एक तो इतना हल्ला हो रहा है यार यहाँ बाजार में, तो आई विल ट्राई मस्त खाना। अभी ठीक है मतलब यार दोस्तों अभी तक ट्रक अनलोड नहीं हुआ, कह रहे खाना खाने के बाद अनलोड करेंगे। तो इतना हम खाना खाने आगे बाहर भाई, एक बार अनलोडिंग पे लग जाए गाड़ी। चम्मच दे देना भाई जी, कैसा है? अच्छा है, चम्मच और आ गया दोस्तों आपको भाई खाना पीना खा के, मतलब क्या खाया हमने, छोले भटूरे खाए और वो भी ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि पेट भारी हो जाता है। और अभी खोलते हैं दोस्तों रास्ता त्रिपाल, खोलते हैं पहले तो पीछे से ही खुलेगा रास्ता त्रिपाल। सबसे इजी काम है दोस्तों रास्ता त्रिपाल खोलना, वो सबसे हार्ड काम है रास्ता त्रिपाल बांधना, क्योंकि रास्ता त्रिपाल बांधने में लगता है 1 घंटा और खोलने में लगता है सिर्फ 5 मिनट। और भाई रास्ता त्रिपाल खोल के एकदम करती है रेडी गाड़ी, अब देखते हैं लेबर कितनी देर में आके अपना ट्रक अनलोड करती है। और इसमें देख रहे दोस्तों क्या लोड था पता है, ये दोस्तों खाद होती है, जो लकड़ी जलती है ना उसकी राख बनती है, उसकी खाद बना रखी है भाई। फट्टे फट्टे निकालने हैं हमको, बत्ते तो हमने लगाए नहीं था, ये लास्ट वाला पानी के चक्कर में पानी भरा पड़ा था दोस्तों, थोड़ा बहुत था ज़्यादा नहीं था। और लौंडे ने कर दिया त्रिपाल फोल्ड, अब डाल लेगा उसे टूल पे, टूल पे डालने के बाद उसे बांध देगा एकदम बढ़िया करके, और फिर अपना काम ओके। और उसके बाद आएगी लेबर, अब देखते हैं लेबर कितनी देर में आती है। तो मैं गाड़ी इसके अंदर घुसानी है यार, देखो इसके अंदर घुस जाएगी कोई इसके अंदर गाड़ी, ये देखो यहाँ से लाएंगे और कैसे कैसे घुसाएंगे, खुद ही सोचने वाली बात है। मतलब यार ये भी कहीं भी बोल देते हैं गाड़ी घुसाने के लिए, एक तो गाड़ी कैसे घुसाई, इसको निकालना इतना हार्ड हो जाएगा पूछो मत, एक तो कोई बंदा नहीं है साथ में बताने वाला साइड, और उसके बाद इस जगह से जो घुसानी है घुमानी है गाड़ी नहीं होने का, आधी गाड़ी घुसेगी क्योंकि तो भाई 34 फुट की जो तो ट्रॉली है हम उसकी लिए आधी गाड़ी घुसेगी, कोशिश करेंगे अगर घुस जाएगी तो बढ़िया, बाकी कोशिश के आगे जीत है, हार के आगे जीत है, देखते हैं क्या होता है। अभी ये देख लो विजिट कर गया, घुसा दिया भाई ट्रक, देखो ना भैंकर कितनी खतरनाक जगह लग रही है यार दोस्तों, देखो ना देखो भैंकर कितनी बच के आई है, देखो टायर के निशान देखो भाई। ऐसी जगह में ना दोस्तों गाड़ी घुसाना तो आसान है पर ये पार्टी वाले ना फिर लग लुक जाते हैं तो पैसे काट लेते हैं। किस क्या करने में? ब्रेक करने में। हाँ प्रॉब्लम होगी ब्रेक करने में। चलो अभी खाली हो जाएगी दोस्तों हमारी गाड़ी, जैसे कि हमने लगा दिया अनलोड करेंगे, इसमें अनलोड होगी कुछ, इस गाड़ियों में अनलोड होगी। 840 कट्टे खुले हमारी गाड़ी में, देखते हैं कितनी देर में खाली करते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी और फिर हमारा माल कहाँ का होगा। और जैसे कि दोस्तों हो गया शाम, सबको प्यारी सी गुड इवनिंग, जय श्री राम, और भोले बाबा को भी उठा दिया है हमने। और ट्रक हो रहा है दोस्तों आपके भाई का अनलोड काफ़ी, और हम दोस्तों अभी जा रहे थे मतलब बाहर जाना था यार, सामान सुमन लेके आना था, 2 बत्ती लानती, दिया लाना था और मोमबत्ती लानती क्योंकि कल शायद ट्रक खड़ा रहेगा उस लिए। तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, अभी तो यार एक ट्रक अनलोड कर रहे हैं, अगर अभी चले गए तो ये कट्टे घटा देंगे हमारे, फिर कटेंगे हमारे पैसे, हमारी मना देंगे यही दिवाली। और भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हैकर गेमिंग भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई आप जल्द अपनी सैलरी के बारे में बताओ, कितना मंथली कमा लेते हो, तो जल्दी दोस्तों वो ब्लॉग लाएंगे। और सेकंड कमेंट आ रहा था दोस्तों कि भाई आपके फैमिली में कौन कौन है, भाई मेरी फैमिली में सबसे पहले तो मम्मी है, ठीक है, उसके बाद बड़ी बहन है, उसके बाद मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी छोटी बहन है, टोटल है 5, उसके में से एक की शादी होगी और अब हम रह गए 1, 2, 3, 4 जने रह गए,
चार जनों में से भाई बड़ा भाई रहता है शेफ, होटल में रहता है वो शेफ, वो घर भी नहीं आता उसकी, पता नहीं क्या बात है, वो फैमिली मैटर है थोड़ा, इसलिए नहीं बताऊंगा, वो आता ही नहीं घर। तो भाई हम तीन ही रहते हैं, तीन में से हम, मैं भी बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा करके, ट्रक पे ही रहता हूँ एक दो दिन के लिए आता हूँ, और मम्मी और बहन रहते हैं बस वहाँ, घर पे कोई आता ही नहीं इसलिए। तो ये है भाई, यही है और कुछ भी नहीं है। और भाई जैसे कि लाइव आने को बोल रहे थे भाई, कल को आपका भाई दो दिन में, बड़ी दिवाली के दिन में 11 बजे लाइव आएगा, तो सब आ जाना भाई, जितने भी भाई अपने भाई से कमेंट में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आ जाना, ठीक है, लाइव में आएगा। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को, लाइव आना था, काफ़ी टाइम से भी नहीं आया हूँ, तो कल को आएंगे दोस्तों 11 बजे लाइव। मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा और फेसबुक पे भी डाल दूंगा, और अपने भाई का फेसबुक चैनल भी आप वो कर लेना, क्या बोलते हो उसे, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा ट्रक अब अनलोड हो जाएगा, कल को मिलेंगे, कल को लोडिंग के टाइम में मिलेंगे, लोडिंग कहाँ का है, क्या सीन है, क्या रेट है, मैंने इस भाड़े का रेट भी नहीं बताया दोस्तों आपको, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, कल को ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग दोस्तों हम यही एंड करते हैं, शाम को सबको प्यारी सी गुड इवनिंग एंड जय श्री राम एंड हैप्पी दिवाली। आज तो सबको दिवाली मनानी है, पूजा करो, पाठ करो और भगवान से दुआ करो, बस जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।